नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लखनऊ स्थित बौद्ध शोध संस्थान में मां शारदा की जन्मतिथि के अवसर पर शारदीय प्रकाशन का 8वां वार्षिकोत्सव मनाया गया है। कल्पना नौटियाल ने वाणी वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुंशी छत्रीधार लाल की आत्मकथा पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मधु चतुर्वेदी, मुंशी छत्रीधारी लाल की नातिन और प्रसिद्ध लेखिका निवेदिता श्री ने पुस्तक पर अपने विचार पेश किए। कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन हर्षित किया है। लेकिन ये काम नहीं, हकीकत है कि मेरी किसी पुस्तक का लोकार्पण लखनऊ में हो तो इसी बहाने आप सभी से मिलना हो जाएगा। ये मेरी दिली ख्वाहिश भी थी। निवेदिता, बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस ख्वाहिश को पंख दिए। मेरे नज़दीक तो कविता सिर्फ एहसासों से लबालब दरिया है जिसकी गहराई को सिर्फ और सिर्फ दिल से ही महसूस किया जा सकता है। शर्त है डूबने से गुरेज ना हो। शायद इसलिए ही किसी नियमावली में बंधकर रचना सृजन मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं बन पाया है। अच्छी सी कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ने लिखने की सीख देती दिखाई देती हैं। मेहनत से तुम करो पढ़ाई, सबसे बढ़कर यही कमाई। पंक्तियाँ बच्चे गुनगुनाएंगे भी और इससे प्रेरित भी होंगे। आओ गिनती सीखें। गीत बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को हंसी खेल में गिनती सिखाने का काम कर जाती है। और बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वे मनोरंजक व हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ उन्हें जीवन की सीख भी दे सकें। यह पुस्तक इसमें पूरी तरह सफल दिखाई देती है। प्रार्थना कविता की कुछ पंक्ति अगर आप सुनना चाहें तो मैं जरूर प्रस्तुत करूं। हे ईश्वर, हमको बल देना, दोष बुराई सब हर लेना। दुखियों का दुख दूर करें हम, दुष्ट जनों का गर्व हरे हम। मन में कभी स्वार्थ ना आए, सबका हित अपने मन भाए। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।